आप सभी को पसंद आएगी ऐसा मेरा मन कहता है। और सितारा जी को भी तर्ज अच्छी लगेगी। एक गीत आया, कौन सा बिल्कुल बता रहे हैं, जल्दी बताओ। मन कुछ कह रहा है और बातें तमाम दिमाग में घूम रही हैं। मांग मेरी में शबनम ने मोती भरे, नजारों ने मेहंदी लगाई, नाच भी नहीं पायलिया छनकने लगी, बिन हवा के ही चुनरी लहराई। तेरे संग वादा किया नहीं तोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना, तेरे संग वादा किया नहीं तोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। ये तर्ज है और बिल्कुल सिंपल सी लाइनें, कुछ जानकारी है इन लाइनों में। सतयुग में क्या हुआ, त्रेता में क्या हुआ, द्वापर में क्या हुआ और कलयुग में क्या हो गया, बस यही बात है। हड्डियों पे है सोने की लंका बनी, बनी आपकी ये कला मन लुभाए। ये काम कर दिया विश्वकर्मा जी ने, हड्डियों पे सोने की लंका का निर्माण कर दिया और 400 कोस सागर पे पुल जो बना, पानी में पत्थर आपने तैराए। ही वो शक्ति नल नील को मिली थी, क्या बात है, कि वो छू दे तो पत्थर डूबेगा नहीं। बिल्कुल। तो कहना पड़ा द्वारिका बनाई तुमने साध साधना, लेकिन कलयुग में एक इमारत बनी जिसको हम लोग ताजमहल कहते हैं, आगरा में ताजमहल, उसमें एक गड़बड़ हो गई। ताजमहल का भेद है जानना, और प्रॉब्लम क्या है, टप 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 टप
कहां से पानी, टपके कहां से पानी, पाए जानना तो ताजमहल का भेद है जानना। बोलिए भारत माता की जय हो। अगर बात अच्छी लगे तो अपनी बेटियों के लिए तालियां जरूर बजाइएगा। रोली मेहंदी कंगन का अवतार नहीं होता, रक्षाबंधन भाई बहन का केवल त्योहार नहीं होता। रोली मेहंदी कंगन का अवतार नहीं होता, रक्षाबंधन भाई बहन का केवल त्योहार नहीं होता। और वो घर सूना रह जाता है इस दुनिया में, वो घर सूना रह जाता है इस दुनिया में, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। बहुत 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 धन्यवाद है आपका। और की विधा थोड़ी बदलूंगी, तो जैसा कि हम सभी लोग अभी यहाँ पे कीर्तन सुन रहे हैं, तो कीर्तन एक संगीत की विधा है, विधा है, तो उसी विधा में एक विधा अभी और है। काफी विधाएं हैं, उसमें से एक विधा है रैप। आप सभी लोगों ने रैप के बारे में सुना होगा, आजकल बहुत चलन में है, बहुत ट्रेंड में है रैप। किस किस ने रैप के बारे में सुना है, जरा हाथ खड़ा करके मुझे बताइए। आपने सुना है? अच्छा, तो काफ़ी लोगों ने नहीं सुना है, तो मैं आज आपको रैप सुनाऊंगी। और ये रैप आप सभी के दोस्तों के लिए है, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी के लिए मैं ये रैप, एक छोटा सा रैप बोलने जा रही हूँ। और बात मेरी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के लिए तालियां ज़रूर बजाइएगा। मेरा एक सच्चा यार है जो मेरी परछाई, उस स्कूल में मेरे खातिर कर लेता था लड़ाई, फिर मार खा के आता था वो पागल मेरे पास में, और बैठ के रोते थे हम दोनों भाई भाई, मुझे सब ने नीचा दिखाया अकेला वो हम्बल, जब सब ने चादर खींची वो बना मेरा कंबल, खून बहे मेरा दर्द उसे बीता होता, बोला तुझे बुली करने वालों को करूंगा चंबल, प्यार में पड़ा वो बना एटीएम मशीन, मेरी जीव के लिए खरीदे स्कर्ट कभी जीन्स, हर विश करे पूरी वो मेरा मैजिक जेन, और सारी देर बना मैं उसका आला दिन, उस पागल के बिना मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा, पर उसकी खुशी में मैं ऊपर वाले से लड़ जाऊंगा, चीखता चिल्लाऊंगा सबको बताऊंगा मैं क्या, सच्ची यारियां सदा कायम रहे, सच्ची दोस्तियां सदा कायम रहे, सच्ची यारियां सदा कायम रहे, सच्ची दोस्तियां सदा कायम रहे, मुश्किलों की हर घड़ी में यार मेरा आता है, मैंगो जूस की तरह वो मुश्किलें भी जाता है, हंसता मुस्कुराता है वो मेरा अनमोल है, बुखार में वो जैसे मेरा पैरासीटामोल है, दिल से सलाम सच्चे यारों की यारी को शोले की जय वीरू की तरह, दोस्ती हमारी हो ऊपर वाला इतनी तरक्कियां दिलाए, मेरी चाहे छोटी गाड़ी मेरी यार की फरारी हो, उसको होने वाली हर बीमारी सदा मुझे हो, उसकी नींदें पूरी मेरी नींदें चाहे आधी हो, उसकी कामयाबी में ही मेरी कामयाबी हो, बालों में सफेदी हो पतियारी में जवानी हो, लटे हो बेडों पे मौत हो सामने, यमराज होगा हम यारों के इंतजार में, तब थामूंगा हाथ अपने यार का, लेके आखिरी सांस से बोलूंगा मैं प्यार से, सच्ची यारियां सदा कायम रहे, सच्ची दोस्तियां सदा कायम रहे, सच्ची यारियां सदा कायम रहे, सच्ची दोस्तियां सदा कायम रहे। बहुत बहुत हुआ है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरा भी वीडियो पोस्ट। हेलो, तो अब मैं चाहूंगी कि आपके बीच आदरणीय सुरेश सितारा जी आए, तो मैं पद्मिनी शर्मा बोला चर्चे में रही, लेकिन आपने एक बात कही कि आपने जितने भी बुरे बाबा हैं उन्हीं के गीत गाए, तो लगता है कि आपने गीत को पूरी तरह सुना नहीं, क्योंकि मैंने उसमें जो पंक्तियां थी, और इस गीत को गाने का केवल मकसद ये था कि आज संसार में तमाम बाबा हैं, ये नहीं कि सभी ढोंगी हैं सभी नकली हैं, कि पहचान बताते अब हम इनकी, ढोलक वादक से मैंने अपनी पंक्तियों में पब्लिक को केवल यह संदेश दिया था कि संसार में तमाम बाबा हैं,
कुछ असली है कुछ नकली, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे? पहचान बता दे अब हम इनकी, लंबा टीका मधुरी बाल झांसे में अब ना आना, दगाबाज की यही निशान। और ये बात घर परिवार और मित्रों को बात ये समझानी। आप तो समझदार हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी गृह मंत्री भी समझदार हो, क्योंकि बाबाओं के पास ज्यादातर कष्ट दूर कराने। आपके बच्चे नहीं समझदार हैं, आपके मित्र नहीं समझदार, इसलिए कि घर परिवार और मित्रों को बात ये समझानी। ओ बाबा जी मनमानी न मनमानी, ओ बाबा जी मनमानी न मनमानी, ओ बाबा जी मनमानी न मनमानी। बाबाओं के पास लोग इसलिए जाते हैं कि उनको मुक्ति मिले, सारे कष्टों से दूर उनका कष्ट हरे। लेकिन बाबा और हम आप पब्लिक के बीच में एक कड़ी और है, जो है परम पिता परमेश्वर। और भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन ते मोहि पावा, ईश्वर कह रहे हैं कि निर्मल मन जन ते मोहि पावा, न चाहूं चढ़ावा दिखावा। ना उसको चढ़ावे से मतलब है, ना दिखावे से, कि निर्मल मन जन ते मोहि पावा, न चाहे चढ़ावा दिखावा। मोए कपट छल छिद्र न भावे, मोए कपट छल छिद्र न भाए, कह गए तुलसी बाबा, कह गए तुलसी बाबा, कह गए तुलसी बाबा। अब ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि सभी बाबाओं के, लेकिन मैंने तुलसी बाबा का भी नाम लिया है और कहा है कि सांस सांस में जपो सितारा, ये सांस सांस में जपो सितारा, बन जाओ ब्रह्म ज्ञानी। ओ बाबा जी मनमानी न मनमानी, ओ बाबा जी मनमानी न मनमानी, ओ बाबा जी मनमानी न मनमानी। एक बात आपने और कही है, मैंने जब गीत गाया मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा में न पाए। मैं की करा। आपने कहा कि आपका ये रूह का परिंदा, यानी कि परिंदा बहुत फड़फड़ा रहा है, और ये कब तक फड़फड़ाएगा, ये कब तक फड़फड़ाएगा? केवल चंद पंक्तियां आपने जो शेर में दी हैं। एक बार तमन्ना ने जिंदगी के आंचल में सर रखकर पूछा, एक बार तमन्ना ने जिंदगी के आंचल में सर रखकर पूछा, मैं पूरी क्यों नहीं होती। तमन्ना हमेशा तमन्ना ही रहती है। एक बार तमन्ना ने जिंदगी के आंचल में सर रखकर पूछा, मैं पूरी क्यों नहीं होती। जिंदगी ने हंस कर कहा, जो पूरी हो जाए वो तमन्ना नहीं होती, जो पूरी हो जाए वो तमन्ना नहीं होती। और तमन्ना केवल इतनी है कि हम अपने प्यार का यूं ही इजहार करेंगे, हम अपने प्यार का
यूं ही इजहार करेंगे, अपनी इन आंखों से आपका दीदार करेंगे और आप मिलेंगे जिंदगी के हर एक मोड़ पर, हम हर मोड़ पर आपका इंतजार करेंगे। करो करो इंतजार करो। अगर बात अच्छी लगी है तो केवल तालियों से आप लोग सराहना कीजिए, बाकी के मांग में शबनम ने मोती भरे, मांग में मेरी शबनम ने मोती भरे, नजारों ने मेहंदी रचाई, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे चाहे जग तेरे लिए नमने मोती भरे, नजारों ने मेहंदी लगाई, तेरे संग वादा किया, तेरे संग वादा किया नहीं तो बताइए, एक हम बताएंगे, टप के कहां से पानी है जानना, आपने बताया कि ताजमहल में वास्तव में आज भी एक बूंद टपकती है, संसार के तमाम वैज्ञानिक उसका पता लगाते रहे लेकिन आज तक पता नहीं लग पाया। हड्डियों से बने अस्त्र उपयोग में, और भाई ये
शास्त्र उपयोग में देवता कर जिसे अपना लय विश्वकर्मा के हैं विश्वकर्मा सभी विश्वकर्मा के हैं विश्वकर्मा सभी एक से एक कर तब दिखलाए भेद क्या छुपा इसमें भेद क्या छुपा है इसमें जानना भेद क्या छुपा है इसमें जान पाना मीनार चौथी का है। एक भेद मैं बता रहा हूँ कि जो ताजमहल है उसमें एक पानी की बूंद टपकती है लेकिन ताजमहल आप जाकर के देख लीजिए चाहे उसका फोटो देख लीजिए उसमें चार मीनारे हैं चारों कोनों पर लेकिन आप किसी भी एंगल से देखिए किसी भी कोण से देखिए वो सिर्फ तीन दिखाई देती है चौथी नहीं दिखाई देती है ये भी एक उसका प्रमाण है। भेद क्या छुपा है इसमें जान पाना चौथी मीनार चौथी का है मीनार चौथी का है नजर आयना हड्डियों से बने अस्त्र उपयोग में देवता गर जिसे आए लाए विश्वकर्मा के विश्वकर्मा सभी एक से एक कर तब दिखलाए भेद क्या छुपा है इसमें भेद क्या छुपा है इसमें जान पाना चौथी मीनार का है चौथी मीनार का है नजर आए ना ताजमहल में एक विशेषता आपने दी तो दूसरी विशेषता हमारी